हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्वटी फोन लर्न में। तो फ्रेंड्स, हमें डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी के लिए नोटिस आई है। मैं इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अपडेट्स आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करते हैं, ताकि उदय विश्वविद्यालय की ओर से उदय विश्वविद्यालय के अपडेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स आए, सभी अपडेट्स आप सभी को मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को हम दिखाते हैं, जो भी अपडेट्स आप सभी को बताई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को बताया जा रहा है, डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से ये नोटिस है, जो कि 19/1/2023 का अपडेट है। अधिसूचना में आप सभी को बताया जा रहा है, अयोध्या द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 के प्रस्नातक MA MSc MCOM प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी को जो भी एस्टूडेंट्स यहाँ पे MA MSc MCOM के हैं, उन सभी के लिए अपडेट्स बताई जा रही है। यहाँ देखिए विवरण में आप सभी को बताया जा रहा है, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की तिथि है, जो कि प्रारंभ तिथि 20/1/2023 से लेकर के इसकी अंतिम तिथि है, जो कि 27/1/2023 तक ले है। उसके बाद फिर छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म महाविद्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 20/1/2023 से लेकर के 28/1/2023 तक ले है। महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधित करने एवं परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करने की जो तिथि है वो 20/1/2023 से लेकर के 30/1/2023 तक ले है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पूरे अपडेट्स आप सभी को दी गई है। बहुत सारे आप सभी एश्योरेंस का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कब MA MSc MCOM का फॉर्म है जो कि फिलअप होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप सभी के लिए अपडेट्स आ चुकी है विश्वविद्यालय की ओर से। तो यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है, उपयुक्त वर्णित कार्यक्रम अनुसार यदि कोई महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित नहीं करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी एवं ऐसे छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो भी अपडेट्स थी, सभी अपडेट्स मैं आप सभी को अपडेट की हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए आप सभी को निर्देश दिया गया है कि प्रथम सेमेस्टर से संबंधित जो भी छात्र छात्राएं हैं वो अपनी जन्मतिथि को अंकित करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पूरी तरह आवेदन करते हुए वेबसाइट www.rmlauexams.in पर आवेदन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया जा रहा है छात्र छात्राएं महाविद्यालय में त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ही जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दो महत्वपूर्ण अपडेट्स थे, यहाँ पे पूरी अपडेट्स नहीं की हूँ। आगे देखिए फिफ्थ नंबर अपडेट बताया जा रहा है, यदि किसी महाविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम विषय की संप्रदाता सत्र 2022-23 हेतु प्राप्त नहीं किए तो फिर भी ऐसे छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र के महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी अपडेट्स मैं आप सभी को अपडेट की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अपडेट्स अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स विश्वविद्यालय की तरफ से सभी अपडेट्स आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।